दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारे देश भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सालों बाद आज भी अनसुलझे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गाँव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक ये समझ नहीं पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब ये गांव खंडर नहीं था बल्कि ये और इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन बाद में जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह, अय्याश दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान सलीम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से वह उसे पाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव डालना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब उसने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर उसे पूर्णमासी तक लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से भी ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वह अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव आत्माओं के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है तो बस रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ जो भी आया वह हादसे का शिकार हो गया।
साल 2013 में दिल्ली से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधारा गांव में एक रात बिताने आई थी। टीम का कहना था कि यहां पर कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के समय उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा जमीन पर आ गिरा, जैसे वहां कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने ये बताया कि उनके पास घोस्ट बॉक्स नाम का एक डिवाइस है, जिसके माध्यम से वह आत्माओं से बातें कर सकते हैं। उनकी टीम ने कुलधारा जाने के बाद ऐसा ही किया। कहीं कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के हाथों के निशान भी दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही कारण है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।